फ्रेंड, आज मैं आपको जो है करीब लगभग 15 सालों का जो है ऐसा क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो 15 सालों से ये बार बार दोहराया जा रहा है। और ये पेपर मैंने पहले भी लाइव में शो किया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रह गई जिसमें छूट गई थी। और इस बार जो है क्योंकि CUET के माध्यम से एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो आपको जो हमारा जो फाइन आर्ट्स है उसमें जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसपे आपको डीपली जो है गहन अध्ययन करना है, और ऐसे टॉपिक को 15 सालों में कितनी बार दोहराया गया है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये, इस सब चीज़ों के बारे में हम जो जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बारीकी से देखिए और समझने का प्रयास करिए। आई होप कुछ क्वेश्चंस को आप खुद रिलेट कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है इसके जरिए भी रिलेट कर पाएंगे, और मैं आपको निर्देश दूंगा कि क्या क्या चीज़ें करिए ताकि जो है आप अपनी थ्योरी को और ज़्यादा स्ट्रांग कर सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है ये क्वेश्चंस हमारे सामने हैं कि कागज़ के कतरनों से बनाए जाने चित्र को क्या कहते हैं। ये 15 सालों में लगभग जो है कई बार कोलाज के बारे में क्वेश्चंस किया गया है, तो कागज़ के कतरने वाला जो है कोलाज कई बार रिपीट किया गया है। एंड कागज़ रिलेटेड कि कागज़ का आविष्कार कैसे खूब हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे बना है, ये सब चीज़ें के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा राजा रवि वर्मा के बारे में बार बार क्वेश्चन आया है, वो कहाँ के रहने वाला है या चित्रों का संग्रहालय कहाँ है, ये इनको राजा रवि वर्मा को बारे में पढ़ लीजिएगा। इनकी फिल्म भी है, रंगरशिया नाम की फिल्म है, और ये देवी देवताओं पौराणिक कथाओं के संबंधित चित्र बनाते हैं, और एक विवादी कलाकार भी कहा जाता है इन्हें, राजा की उपाधि भी दी गई है, तो इनको पढ़ सकते हैं। देखिए दोबारा इस राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़े भी हैं कि पेंटिंग इन्होंने कहाँ पर किया था, पूना में, गुजरात में, पूना एक मतलब आपके गोवा में जो है इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का कार्य किया था, वहाँ था तो पूना था जी। ठीक है, मूर्तिकला का उस शैली का नाम बताइए जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है, तो गंधार है। मूर्तिकला में ये पूछा जाता है कि ये 3D है या 2D है, ये भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 3D है, और 3D का मतलब 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई और मोटाई की बात आती है। यदि आप 2D में बात करोगे तो आपकी जो है लंबाई चौड़ाई आती है, जो पेंटिंग आती है। फोटोग्राफी पेपर किस रंग से प्रभावित होता है, तो सफ़ेद रंग से प्रभावित होता है। यदि ज़्यादा हाईलाइट दे दिया जाए आपको तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस है, और फोटोग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस ज़रूर आप पढ़िएगा, ये ज़रूरी है आप लोग के लिए। एंड आगे है गोदई महाराज कौन थे, तो गोदई महाराज जो है तबला वादक थे, इनको याद रखिए। इसके अलावा शहनाई वादक और इनके जरूर पढ़िएगा, सितार वादक के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये आता है जी। इनमें से कौन से लेखक को नाम बताए जिसने डांस ऑफ शिवा लिखा है, तो कुमार सिंह। इसके अलावा जो है पुस्तकों को नाम बोलूँ तो पंचतंत्र है, अर्थशास्त्र है, अभिलाष अकुतलम है, मगीदूत है, अभी ये उसके बाद जयमंगला है आपका, नाट्यशास्त्र है, तो इन सब पुस्तकों के बारे में ध्यान दीजिएगा। इसी तरह उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें 6 अंगों की चर्चा की गई है, तो जयमंगला है। और भारत कला भवन के संस्थापक राय कृष्ण दास, तो ये भारत कला भवन के बारे में भी आप जो है यदि आप लोग मोस्टली वाराणसी में आते हैं भ्रमण के वास्ते, तो ये भारत कला भवन में जो है यहाँ की कलाओं से रूबरू होने से में आप पीछे मत हटिएगा, आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा। उसके जस्ट बगल में ही विजुअल आर्ट फैकल्टी है, वहाँ पर आप स्टूडेंट्स के कार्यों को आप और देख सकते हैं, सीख सकते हैं उनसे। विख्यात कोणार्क मंदिर किस प्रांत में है, तो उड़ीसा में है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक मंदिर है खजुराहो वाला भी, वो आपका मध्य प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा। इनमें से एक मूर्तिकार रविन्द्रनाथ टैगोर का शिष्य था, तो डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी के बारे में बताना चाहूँगा, ये स्वयं की विजय इनकी खास कृति है, और इसके अलावा ये चित्रकार भी हैं, और पहलवानी भी लाया करते थे ये, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो है मूल रंगों के बारे में आपको ये जानना जरूरी है, इसमें प्राथमिक रंग, सेकेंडरी रंग, द्वितीय रंग, तमाम तरह रंगों के बारे में नॉलेज गेन जरूर करिएगा। एंड जान गुटबर्ग थे, तो वो जर्मन के रहने वाले थे, और विदेशी कलाकारों में लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, वोंगकॉन्ग, टर्नर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िएगा जी। दिलवाड़ा मंदिर किस से बना है, तो मकराना मार्बल से बना हुआ है। इसमें खास बात क्या आ जाती है कि इसके अलावा भी बहुत सारे जो अशोक स्तंभ हैं और स्तूप हैं, ये भी इसके बारे में पूछा जाता है, तो आप इसको जो ध्यान दीजिएगा।
कंदरिया महादेव मंदिर संबंध है, तो हिंदू धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म से संबंधित आपका जो है अजंता गुफा है, जैन धर्म से संबंधित जो है तथा सभी धर्मों से संबंधित एलोरा गुफा है। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर करेगा। सेट स्क्वायर होता है तिकोना, ज्यामिति से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें भी आप जो है कवर कीजिएगा। ज्यामिति में जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि कोण में, जैसे कि ट्राइगल में कितने कितने अंश का होता है, टोटल कोण का मान कितना होता है, तो ये भी क्वेश्चंस करता है। मास्किंग बोर्ड उपयुक्त होता है, तो फोटोग्राफी में मास्किंग बोर्ड उपयुक्त होता है जी। तो देखो फोटोग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप इस पर फोकस करिएगा जी। उसके बाद है क्या लिखा है, टाइम ऑफ इंडिया का कार्टून मेकर कौन है, आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण के साथ साथ आप जो है बाल ठाकरे को भी जो है आप जरूर रखिएगा, ये भी हमारे लिए काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। बाल ठाकरे में फिल्म भी बनी हुई है। उसके अलावा जो है भारत में प्रथम समाचार पत्र जो है कहाँ प्रकाशित हुआ, तो कोलकाता में, और यदि प्रकाशन अखबार की बात पूछेंगे तो बंगाल गजट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बुक जैकेट क्या है, तो बुक जैकेट का मतलब होता है पुस्तक का बाहरी आवरण, ठीक है, पुस्तक का बाहरी आवरण। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाऊँ, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी था, तो मनु भाई पारिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सतीश गुजराल के बारे में भी जानिएगा कि ये 10 साल की अवस्था में इनकी सुनने की शक्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन ये न सुनने के बाद भी वो न सुनने से इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला वो बताते हैं, और ये मूर्तिकार, वास्तुकार, ग्राफिक डिजाइनर, अनेक क्षेत्रों में इनकी जो है महारत हासिल थे। जो है उस शहर का नाम बताइए जहाँ पर ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र स्थापित है, तो लखनऊ है, और ये 1954 में जो इसको स्थापित किया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यक्षगान से संबंधित रहे हैं, तो यक्षगान से संबंधित है, तो ये है आर के नारायण जी हैं, और ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुंची पुरी नृत्यांगना का नाम बताइए, तो चित्रा सुब्रमण्यम। बंगाल इस लिखा गया कि बेंगलोर में आयोजित मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के लोगों किस चित्र शैली पर आधारित था, तो अजंता चित्र शैली था। और आपको पता होना चाहिए अजंता की बात है, जो हिमारा की गुफा की बात कर रहे हैं या सिगिरा गुफा, तो तमाम तरह चित्रकारों ने उसकी जो है प्रतिज्ञा बनाई है। और अजंता की बात करते हैं तो जेम्स स्मिथ ने 1819 में इसकी अजंता का पता लगाया था। तो ये अजंता गुफा के बारे में और बाकी अन्य गुफाओं के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। ये गुफा का यह जो चैप्टर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो बार बार जो है इन 15 सालों में ये दोहराया गया है। वुड ब्लॉक में प्रथम पुस्तक छपी थी, तो चीन में छपी थी, और चीन में मैक्सिमम आविष्कारों को जो है दर्शाया जाता है। सैन सेफ्टी सैन सेरिफ टाइप क्या है, तो वो है बोडोनी। इसके अलावा हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक टाइप लिखा गया है, एक टाइप की हुई लाइन को मापने को क्या कहते हैं, तो पाई का कहते हैं, ठीक है। और आपको भी आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में जो है कितना मीटर होता है, और 1 इंच कितने में कितना एमएम होता है, ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है कंप्रेस्ड एयर के माध्यम से लगाया जाता है, तो एयर ब्रश इसे विदेशों में जो है ना स्प्रे करके जो है लोग अपना विज्ञापन छापते हैं या विज्ञापन को शो अप करते हैं। मोबाइल टाइपिंग का आविष्कार हुआ था, तो किसने किया था या कहाँ हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो जॉन गुटेनबर्ग। उसके बाद एमपीएस का प्रयोग होता है, तो प्रोसेसिंग फील्ड में होता है, ये आप याद रखिएगा। और फिल्मों से रिलेटेड भी आप जान सकते हैं कि सबसे पुरानी फिल्म कौन सी, सबसे बोलने वाली फिल्म कौन, मतलब बोलने वाली ना बोलने वाली फिल्में कौन सी, हिंदी इंग्लिश में जो है सबसे पहली प्रसारित किया गया था, टीवी कब आया था, इन सब चीज़ों के बारे में अवश्य पढ़िएगा। विंडो डिस्प्ले की बात करते हैं, तो विंडो डिस्प्ले में सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं साइलेंट सेल्स मैनशिप की बात किया जाए, तो ये है विंडो डिस्प्ले। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, और बिहार में बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जिन पे आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि पटना जो स्थान है वहाँ पर तमाम तरह की कलाएं आपको रूबरू होने का मौका मिलता है। और उसके बाद लिखा गया है कि
टेली कॉन्फ्रेंसिंग सबसे उपयुक्त होता है दूरस्थ अधिगम के लिए, जो दूर की चीज़ें होती हैं उसके लिए ये लोकप्रिय माना जाता है। तो इस समय लोग मैक्सिमम लोग जूम के माध्यम से या गूगल मीट्स के माध्यम से अपना नॉलेज आदान प्रदान कर रहे थे, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से गिन कर रहे हैं। तो जो है उसी अकॉर्डिंग तरह से है उस प्रसिद्ध। इसमें मूर्तिकार को पहचानना है तो डीपी राय चौधरी जो है मूर्तिकार हैं, और अमृता सेगे जो है भारत की पहले महिला चित्रकार हैं, और यामी राय जो है लोक कला के कलाकार माने जाते हैं। ये सलोजी जो है एक प्रमुख चित्रकार हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं छायाचित्र शैली की प्लेनोग्राफी को क्या कहा जाता है, लिथोग्राफी। लिथोग्राफी के जरिए ही जो है आपको पता होना चाहिए कि 1891 के आसपास की पहले की बात करें तो राजा रवि वर्मा ने जो है इसको मतलब सस्ते दरों में जो है घर घर में जो है पेंटिंगों का मशील करने का काम किया था। किस पुस्तक में छापने से पहले क्या किया जाता है, डमी तैयार किया जाता है किसी भी पुस्तक को बनाने से पहले इसका। उसके अलावा जो है होर्डिंग की साइज अधिकतम होता है, अधिकतम जो साइज होता है 20 फीट इंटू 60 फीट इसकी होती है। इलस्ट्रेशन करने में आरंभिक आवश्यकता होती है कहानी की जरूरत होती है, बिना कहानी की हम उसको तैयार नहीं कर सकते हैं। पत्थर से इम्प्रेशन लेने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और ऐसे बहुत सारी छपाई हो जाए तो पत्थरों के माध्यम से उस पर की जाती है। एंड प्रेस लेआउट बनाया जाता है तो श्याम श्वेत। इसके अलावा हम आगे कोशिश की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम जिन बातों को हम आपको ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, मैं कह सकता हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन स्थित है तो अहमदाबाद में, और मैं कहूँगा NIT जो है इसके बारे में भी बहुत स्टूडेंट्स अध्ययन करते हैं, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती जिनके बारे में MFA के बारे में फुल फॉर्म पूछ लें, MBFA के फुल फॉर्म पूछ लें, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। WW के बारे में पूछ सकता है। तो ऐसे इम्पोजिंग क्या होता है, पन्नों के क्रम को इम्पोजिंग कहते हैं। इनमें से टेक्सटाइल डिजाइन का प्रयोग नहीं किया है तो एम्ब्रॉयडरी में नहीं होता है। तो आपको कभी कभी जो है इन जो विकल्प दिए रहते हैं ना, उन विकल्पों से भी आपको आइडिया लगाना पड़ता है कि कौन इस प्रश्न से मैच खा रहा है या किसी और प्रश्नों से मैच खा रहा है। इससे भी आइडिया लगाकर आप प्रश्नों को सही कर सकते हैं। मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर है, ये चीज़ है। उसके बाद है उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे प्रेजेंट वेडिंग किया है, तो पीटर बुंगेल। भारतीय पारंपरिक मूर्तिकला एक अर्थशिल्पी की सही विशेषता क्या है, आदर्शपूर्ण है, और ये इम्पोर्टेंट उसके भारतीय कला का ये क्या उद्देश्य है। उसके बाद वेयर इज JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स, तो बॉम्बे है और मोस्ट पॉपुलर है, और यहाँ पर तमाम तरह के जैसे कि मैं बात करूँ JJ में आपके MF हुसैन के बारे में क्वेश्चन बार बार आता है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा जो है। इसके अलावा जो है तैयब मेहता जी हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे कलाकार जो हैं जो इनके बारे में, शांति निकेतन के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा जो है। इसमें फिर से जो है रंगों से रिलेटेड है, इनमें से कौन सा रंगत गर्म नहीं है, तो नाल और बैगनी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों पर मैंने आपको फोकस दिलाने का प्रयास किया है, और जिसमें मैंने आपको कुछ नई चीज़ें बताने का प्रयास किया है। यदि आपने दोबारा उस प्रश्न को थोड़ा ध्यान नहीं दिए हैं तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, और ये प्रश्न जो है आप ये जो टॉपिक्स है ये जो सन 2008 का जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों के लिए खास है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। इस वीडियो को जो है आप जल्द से जल्द जो है और वीडियो के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह आपने तैयारी करते रहिए, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए जो है आप हमें कमेंट में लिखिए और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि हमें हमारा जो है मनोबल बढ़े। और किस नई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसको, यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए।